नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं सुजाता चौहान और आप सभी का अपनी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करती हूं। आज का हमारा लेसन है द काइट मेकर और इसे लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। ये सेकंड वीडियो है इस लेसन पर। आइए देख लेते हैं सबसे पहले कि हमने अपनी फर्स्ट वीडियो कहां पर समाप्त की थी, एक बार उसे दोहरा लेते हैं। काइट फ्लाइंग वॉज देन द स्पोर्ट्स ऑफ किंग एंड द ओल्ड मैन रिमेंबर्ड हाउ द नवाब हिमसेल्फ वुड कम डाउन टू द रिवर साइड with his retinue to participate in his noble pastime. There was time then to spend an idle hour with a gay dancing strip of paper. और उस समय पतंग उड़ाना राजाओं का खेल होता था और बूढ़े व्यक्ति को याद आता है कि किस तरह से नवाब भी अपने मंत्रियों के साथ एक बार नदी के किनारे पतंग उड़ाने आया था, क्योंकि पतंग उड़ाना उस समय का मनोरंजन का मुख्य साधन था और लोगों के पास पर्याप्त समय होता था पतंग उड़ाने के लिए। नाउ एवरीवन हरीड इन ए हीट ऑफ होप एंड डेलिकेट थिंग्स लाइक काइट्स एंड डे ड्रीम्स वर ट्रैम्पल्ड अंडरफुट। तो अब समय पूरी तरह से बदल गया है, अब सभी मनुष्य जल्दबाजी में हैं, वे भागदौड़ की जिंदगी बिता रहे हैं, क्योंकि अब मनुष्य भौतिकतावाद में उलझ गया है और पतंग तथा सपनों जैसी नाजुक चीजें लोगों के पैरों तले रुंध गई हैं, अर्थात वे उनकी अवहेलना कर रहे हैं। महमूद द काइट मेकर हैड इन द प्राइम ऑफ हिज लाइफ बीन वेल नोन थ्रू आउट द सिटी। बूढ़ा पतंग बनाने वाला महमूद अपनी जवानी के दिनों में एक प्रसिद्ध पतंग बनाने वाला हुआ करता था और पूरे शहर में वो जाना जाता था। सम ऑफ हिज मोर इलेबोरेट काइट्स वंस सोल्ड फॉर एज मच एज 3 or 4 रुपीज ईच। और कई बार तो उसकी द्वारा बनाई गई बड़ी बड़ी पतंगे 3 से 4 रुपए तक भी बिक जाती थी। एट द रिक्वेस्ट ऑफ द नवाब ही हैड वंस मेड अ वेरी स्पेशल काइंड ऑफ काइट अनलाइक एनी दैट हैड बीन सीन इन द डिस्ट्रिक्ट। और एक बार तो नवाब के कहने पर महमूद ने एक अलग तरह की पतंग बनाई, पूरे जिले में उसकी जैसी पतंग किसी ने नहीं देखी थी। इट कंसिस्टेड ऑफ ए सीरीज ऑफ स्मॉल वेरी लाइट पेपर डिस्क ट्रेलिंग on a thin bamboo frame. To the end of each disc he fixed a sprig of grass forming a balance on both sides. ये पतंग छोटी छोटी और बहुत ही पतले कागज से बांस के चापनुमा ढांचे से बनी थी और हर चापनुमा जगह पर घास के गुच्छे रखे गए थे ताकि दोनों तरफ अनुपात बना रहे। The surface of the foremost disc was slightly convex and fantastic face was painted on it having 2 eyes made of small mirrors. पतंग का आगे का हिस्सा कन्वेक्स लेंस की तरह बाहर को उभरा हुआ था जिस पर एक चेहरा रंग से बनाया गया था। The disc decreases in size from head to tail, assumed an undulatory form and gave the kite the appearance of crawling serpent. और उस चेहरे पर छोटे छोटे शीशे की 2 आंखें भी बनाई गई थी और ये चापनुमा ढांचा पतंग के सिर से लेकर पूंछ तक घटते अनुपात में लगाया गया था। देखने में यह पतंग रेंगते हुए विशाल काय सांप की तरह लगता था। It required great skill to raise this cumbersome device from the ground and only Mahmood could manage it. अटपटे ढंग से बोझिले इस पतंग को जमीन से ऊपर उठाने के लिए एक खास कला की आवश्यकता थी और केवल महमूद ही ऐसा कर सकता था, अर्थात केवल महमूद ही वह पतंग उड़ा सकता था। Everyone had heard the dragon kite that Mahmood had built. And word went round that it possessed supernatural powers. सभी महमूद द्वारा बनाई गई इस ड्रैगन पतंग को जानते थे। सभी ने इसके बारे में सुना था कि महमूद ने इस बड़ी पतंग को बनाया है और शहर में ये अफवाह फैल गई कि उस पतंग में कोई अलौकिक शक्तियां थी। A large crowd assembled in the open to watch its first public launching in the presence of the Nawab. और जब यह पतंग नवाब की उपस्थिति में अपनी पहली उड़ान उड़ने के लिए तैयार थी तो उस समय उस जगह पर लोगों की भीड़ उमड़ गई। At the first attempt, it refused to leave the ground. The discs made a plaintive protesting sound and the sun was trapped in the little mirrors, making the kite a living complaining creature. पहले तो इस पतंग ने उड़ने से इंकार कर दिया, अर्थात वह नहीं उड़ी। पतंग ने अपनी साए साए की आवाज से एक शिकायत से भरी हुई फरियाद उत्पन्न करी और उसके चेहरे पर बनी कांच आंखों में बने सूरज के प्रतिबिंब ने उस शिकायत करते हुए प्राणी को सजीवता दे डाली।
Then the wind came from the right direction and the dragon kite soared into the sky, wriggling its way higher and higher, the sun still glinting in its devil eyes. फिर हवा सही तरफ से आई और ड्रैगन काइट लहराने लगी और ऊंचाइयां छूने लगी, और अभी भी इसकी शैतानी आंखें सूरज की रोशनी से चमक रही थी. And when it went very high, it pulled fiercely on the twine and Mahmud's young sons had to help him with the reel. जब यह पतंग बहुत ऊपर चली गई तो अचानक इस पतंग की डोर पर खिंचाव हो गया और महमूद के बेटों को पतंग की चरखी पकड़कर महमूद की सहायता करनी पड़ी. Still the kite pulled, determined to be free, to break loose, to live a life of its own. पतंग अभी भी खिंचाव बनाए हुए थी और ऐसा लग रहा था कि पतंग अपनी डोर तुड़वा कर अपना स्वतंत्र जीवन व्यतीत करना चाहती हो. And eventually it did so. The twine snapped, the kite leapt away towards the sun, sailing on the heavenward until it was lost to view. और अंततः ऐसा ही हुआ. डोर टूट गई और पतंग सूरज की ओर उछल पड़ी और धीरे धीरे दूर नीले आसमान में लुप्त हो गई. It was never found again. And Mahmud wondered afterwards if he made too vivid, too living a thing of the great kite. Did not make another like it. और वह पतंग कभी नहीं मिली. और महमूद भी बाद में आश्चर्यचकित हो जाता है कि उसने इतनी अलग, इतनी सजीव पतंग बनाई. फिर उसने कभी भी इस तरह की कोई पतंग नहीं बनाई. Instead he presented to the Nawab a musical kite, one that made a sound like a violin when it rose in the air. इसके अतिरिक्त उसने नवाब को उपहार में एक संगीतमय पतंग दी जो कि हवा में उड़ने पर वायलिन की मधुर ध्वनि उत्पन्न करती थी. Those were more leisurely, more spacious days. But the Nawab had died years ago and his descendants were almost as poor as Mahmud himself. वो समय खूब विस्तृत होता था. लोगों के पास पर्याप्त समय होता था जिसे वे आराम से बिताते थे, परंतु कई साल पहले नवाब की मृत्यु हो गई थी और नवाब की आने वाली पीढ़ियां उतनी ही गरीब थी जितना कि महमूद. काइट मेकर्स लाइक पोएट्स वंस हैड देयर पैटर्न्स बट नो वन न्यू महमूद सिंपली बिकॉज देयर वर टू मैनी पीपल इन द गली एंड दे कुड नॉट बी बॉदर्ड विद देयर नेबर्स. कवियों की भांति कभी पतंग बनाने वालों के भी सहायता करने वाले तथा वाहवाही करने वाले हुआ करते थे, परंतु अब कोई महमूद को नहीं जानता क्योंकि अब समय बदल गया था. गली में लोगों की भीड़ थी लेकिन कोई भी अपने पड़ोसियों की परवाह नहीं करता था. When Mahmud was younger and had fallen sick, everyone in the neighborhood had come to ask after his health. But now, when his days were drawing to a close, no one visited him. लोग अब पहले की तरह एक दूसरे की परवाह नहीं करते थे, एक दूसरे को नहीं जानते थे. लोग अब स्वार्थी हो गए थे, वे भौतिकतावाद में फंस चुके थे और इसलिए अब लोगों के पास एक दूसरे के लिए समय भी नहीं था. लोग एक दूसरे की परवाह नहीं करते थे, एक दूसरे से मिलने नहीं जाते थे. परंतु जब महमूद छोटा था और वह बीमार हो गया था तो उसके पड़ोस में सभी लोग उसकी तबीयत पूछने आते थे. लेकिन आज जब महमूद अपने जीवन के इस पड़ाव में है जहाँ मृत्यु कभी भी आ सकती है, तो कोई उससे मिलने नहीं आता, कोई उसका हाल पूछने नहीं आता. मोस्ट ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड्स वर डेड एंड हिज सन्स हैड ग्रोन अप. उसके बहुत से दोस्तों की मृत्यु हो गई थी और उसके दोनों बेटे अब बड़े हो गए थे. One was working in a local garage and the other who was in Pakistan at the time of partition had not been able to rejoin his relatives. एक तो वही शहर के किसी गैराज में काम करता था और दूसरा बंटवारे के समय पाकिस्तान चला गया था, जो कि अपने रिश्तेदारों से बंटवारे के कारण कभी भी नहीं मिल सका. और यहीं पर हमारी ये सेकंड वीडियो समाप्त होती है. आप सभी का धन्यवाद. थैंक्स फॉर वॉचिंग मी.